नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव प्रसाद। आज मैं प्रथम वर्ष हिंदी के रचना के छात्रों के लिए निराला रचित वह तोड़ती पत्थर कविता का भावार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं पाठ के साथ। वह तोड़ती पत्थर या तोड़ती पत्थर कविता, वह से मैं की यात्रा है, पर से अहम की यात्रा है। इस कविता में दूसरे के लिए जो ममता है, दूसरे की जो पीड़ा है, उसको कवि निराला ने अपना समझकर, अपनी पीड़ा समझकर व्यक्त किया है। गर्मी की दोपहरी में, मई जून के महीने में, जेठ के महीने में, जब हम छाह में रहते हैं, जो संपन्न हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, वे छाह में रहते हैं, घरों में रहते हैं, एसी चला के रहते हैं, पंखे चला के रहते हैं, लेकिन उसी समय जिनके घर में खाने के लिए नहीं है, जिनके आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन नहीं है, वे पुरुष हो या नारी, वो कर्म करने के लिए, श्रम करने के लिए बाध्य होते हैं। ऐसे ही एक मजदूरिन है जिसे निराला जी इलाहाबाद के किसी सड़क के किनारे देखते हैं पत्थर तोड़ते हुए। यह चित्रांकन है, यह शब्द चित्र है, यह भाव चित्र है, यह अनुभव है, अनुभूत सत्य है, कहना कठिन है, लेकिन जो भी है इसमें सच्चाई है। पाठ है, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। इलाहाबाद का अर्थ यह नहीं कि केवल इलाहाबाद, वैसे परसाई जी ने कहा है कि जब लोग चोरी करने जाते हैं तो इलाहाबाद जाते हैं, और जब पाप कटाना होता है तो उसी को प्रयाग भी कहते हैं। भारत के किसी भी हिस्से में या विश्व के किसी भी हिस्से में जो मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, सड़क के किनारे भी जहां कोई छाया नहीं है, वहां वो अपना श्रम बेचता है, पसीने से लथपथ उसको हम देख सकते हैं। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। उसके अगल बगल क्या परिदृश्य है, क्या वातावरण है, इसका वर्णन करते हुए कहते हैं, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत्मन। वह जहां बैठी है, पत्थर जहां तोड़ रही है, उसके सिर के ऊपर खुला आसमान है और आसमान में जलता हुआ सूरज है, छाया की नाम मात्र स्थिति भी नहीं है जो उसे शीतलता प्रदान करे, कुछ राहत प्रदान करे। उसका शरीर पहले से सांवला है या सूरज की गर्मी से तपकर सांवला हो गया है, जो भी हो, शरीर पुष्ट है और जवानी भी है। यहाँ पर कवि यह बताना चाहता है कि सौंदर्य कहीं भी हो सकता है। नत नयन, यौवन होने के बावजूद उसकी आंखों में नम्रता है, अपनी परिस्थिति के लिए कहीं न कहीं कुछ अवसाद है जिसके कारण उसकी आंखें झुकी हैं, और अपने कर्म में, पत्थर तोड़ने के काम में, वह तन मन से लगी हुई है। गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार। उसके हाथ में एक भारी हथौड़ा है और उस हथौड़े से वह पत्थर पर बार बार चोट कर रही है, और उसके पत्थर के जो टुकड़े हैं, उसके द्वारा जो तोड़े गए पत्थर के टुकड़े हैं, उनकी ढेर के ठीक सामने पेड़ों की छाया तो है, कई पेड़ एक कतार से हैं, और उन्हीं के बगल में गगनचुंबी इमारतों की भी श्रृंखला है। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, तीवा का तमतमाता रूप।
गर्मी के दिन में 7-8 बजे सुबह के बाद से ही सबको परेशानी बढ़ने लगती है। बिहारी लाल ने भी कहा है, देख दोपहरी जेठ की छाहो चाहती छाह। लेकिन वहां की स्थिति दूसरी है, यहाँ है कि मौसम कुछ भी हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, काम करना है तो काम करना है। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तम तमाम तारू, दिनमान तमतमाया हुआ है, तपतपाया हुआ है, धरती आग उगल रही है, तवे से जल रही है, धूप में लूह की लपटे आ रही है, सब है। उठी झुलसाती हुई लूह, रुई ज्यों जलती हुई, धरती ऐसे जल रही है जैसे रुई में आग लग गई हो। पराया हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर, ऐसा लगता है निराला उसे बहुत देर से देख रहे थे, 10 बजे से 11 बजे से देखना शुरू किया था और अब लगता है कि दोपहर होने वाली है। यह वह समय है जब मजदूर अपना काम कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, 1-2 घंटों के लिए रुकते हैं, दोपहर का भोजन जो उन्हें मिल जाता है, उनके औकात में जो कुछ होता है साग सत्तू, उसको वो ग्रहण करते हैं, कुछ देर आराम करते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं। प्रायः हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर, अभी दोपहर हुआ नहीं है, होने वाला है, इसलिए वो काम में लगी हुई है। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्नता, हालांकि वो अपने काम में मग्न थी, लेकिन जब उसको आभास हुआ कि मैं उसे देख रहा हूं, कभी उसे देख रहा है, तो उसने मेरी ओर एक बार, बस एक बार नजर उठाकर देखी, देखा, और देखने के साथ ही उसका सिर उस घर की ओर घूम गया जो 2 मंजिला था, 3 मंजिला था, 5 मंजिला था, 2 मंजिला था, और उस घर को देखते ही उसके सारे सपने ऐसे लगे जैसे बिखर गए, जैसे वीणा का तार टूट जाए, अचानक से स्वर रागनी थम जाए, ऐसा कुछ आभास हुआ। देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खाई रोई नहीं, ऐसा लगा जैसे उसके अंदर की जो पीड़ा है, गरीबी की जो मार है, वो सारा कुछ एक ही झलक में सामने आ गया। सहज सजा सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो सुनी थी झंकार, एक क्षण के बाद वह कापी सुधर, झुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तू। एक क्षण के लिए उसकी आंखों से उसकी व्यथा का वर्णन तो हो गया, लेकिन दूसरे ही क्षण उसने, उस श्रमिका ने, उस मजदूरिन ने अपने को संभाल लिया, जैसे कोई तार टूटा हुआ हो सितार का, और बजाने वाला उसे तुरंत ठीक कर ले और बजाना शुरू कर दे। ठीक वैसे ही कुछ देर का अवकाश लेने के बाद वह अपने काम में फिर से जुट गई, और ऐसा लगा जैसे श्रम का सितार एक बार फिर झंकृत होने लगा, हथौड़े का प्रहार फिर पत्थरों पर शुरू हो गया, झुलक माथे से सीकर, और इस बीच सूरज की गर्मी से, परिश्रम के कारण, जो भी हो, पसीने की बूंदे माथे से चूकर चेहरे पर आ गई, और उन सीकर बिंदुओं ने, बूंदों ने बताया, और अमुक होकर भी, अव्यक्त होकर भी उस मजदूरनी ने यह कहा कि देखिए मैं पत्थर तोड़ती हूँ, मैं पत्थर तोड़ती हूँ, मैं पत्थर तोड़ती हूँ। इस कविता का आरंभ वह से होता है और इस कविता का समापन मैं पर होता है। जो दुख किसी मजदूरनी का है, वह दुख अंत में आकर एक कवि का हो जाता है, एक हृदय वान कवि का हो जाता है, एक सहृदय कवि का हो जाता है। ऐसा होना बहुत बड़ी उपलब्धि है, आदमी से मानव होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी ने कहा है कि बहुत मुश्किल है हर चीज का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना।
इंसान होने के लिए हृदय की जरूरत है। हृदयहीन व्यक्ति मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं हो सकता। जो दूसरे के दुख में पिघल नहीं जाए, जिसमें पर कतरता नहीं हो, वह व्यक्ति नहीं, वह प्राणी नहीं, वह मनुष्य नहीं, वह मानव नहीं। इस कविता में तुर्ती पत्थर कविता में निराला जी ने वह से स्व की यात्रा की है, पर से मम की यात्रा की है। ममत्व परत्व का जो विभेदक रेखा है, उस रेखा को मिटाने की कोशिश की है। इस तरह से हम पाते हैं कि निराला जी की यह कविता सर्वहारा वर्ग को समर्थन देने वाली कविता है। इस कविता के पीछे संभव है मार्क्सवाद की जो थ्योरी है, मार्क्सवाद का जो सिद्धांत है, वह काम करता हो सकता है। प्रगतिशील जो आंदोलन चला था, उस आंदोलन के प्रभाव में आकर भी इन्होंने इस कविता की रचना की हो, लेकिन वहां भी प्रगतिवादी कविताओं में भी वह पर से स्व की यात्रा नहीं होती, पर को परे रखकर ही वहां अभिव्यक्ति होती है। वहां दुख को कोई दूसरे के दुख को कोई अपना समझकर व्यक्त नहीं करता, जबकि यहां निराला ने अपने महाप्राणत्व को, कहा जाता है कि निराला महाप्राण कहे जाते हैं, तो उस अपने महाप्राणत्व को उस मजदूरनी के माध्यम से व्यक्त किया है। धन्यवाद।